दोस्तों दिल्ली में आज इलेक्शन का दिन था और हम अभी निकल रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज के फ्लाईओवर के पास से। दोस्तों बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है जब मैं सिग्नेचर ब्रिज से निकलता हूँ। दिल्ली की आन बान बन चुका ये पुल इतना जबरदस्त है कि मैं क्या बताऊँ आपको। एक बार आपको कोशिश करता हूँ इसका व्यू दिखाने का। ये देखिए स्क्रीन में अगर आप व्यू देख रहे हो तो सिग्नेचर ब्रिज हमारे सामने है और कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर ग्लास का हाउस है, बहुत ही ब्यूटीफुल। दोस्तों क्या बताऊं मैं आपको, क्या गजब का दिन था। दिल्ली वालों के लिए दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5 सालों में एक बार ये आने वाला दिन, मतलब वोटिंग का दिन। दोस्तों वोटिंग के दिन दिल्ली वाले हमेशा क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूं। वोट डालते हैं, फैमिली को टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ, और साथ में जरूर कुछ ना कुछ एंजॉय करते हैं, जो हमने तीनों काम ये करके आ चुके हैं। दोस्तों लास्ट जो हमने काम किया वो अभी अभी हम लोग जस्ट निपटा करके आए हैं, बाइक की राइड। ये राइड हमने करी थी कश्मीरी गेट से लेकर के और मैं अपने घर तक की इस राइड को कंप्लीट करके आया हूं। रास्ते में हम दिल्ली के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस के नीचे से होकर के निकले, जिसका नाम है सिग्नेचर ब्रिज। कुतुब मीनार से डबल हाइट की ऊंचाई पर है। आप भी इस राइड को आगे देखिएगा और एंजॉय करते हुए बताइएगा कैसी लगी आपको राइड, कमेंट करके। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो, चलिए। और अभी हम कश्मीरी गेट से निकल रहे हैं रोहिणी की तरफ। दोस्तों बस एक शिकायत है दिल्ली वालों से कि मैं भी हालांकि दिल्ली वाला ही हूँ, लेकिन दिल्ली वाले यार तुम लोग भाई वोटिंग सही से किया करो यार। इस साल भी 50% के आसपास लगभग एवरेज वोटिंग रहा दिल्ली में, और ये एक्सपेक्टेड नहीं होता दिल वालों की दिल्ली है। मैं यहाँ खुद पैदा हुआ हूँ, बचपन से देख रहा हूँ, और मतलब जो कि राजधानी है देश की, तो हमें एग्जाम्पल सेट करना है यार। तो नेक्स्ट टाइम जरूर वोटिंग का ध्यान रखना। आप देख सकते हैं दिल्ली के हाईटेक रोड्स, लाइटिंग जल रही है जो बहुत ही यूजफुल है किसी भी एक्सीडेंट से बचाने के लिए राइडर्स को। होप करता हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को और दिल्ली की सड़कें देख रहे होंगे। ये अभी बिल्कुल नई बना है ये हाईवे जो करनाल बाईपास की तरफ जा रहा है, और दिल्ली में इस साल अगर कोई बेहतरीन काम हुआ है तो दो ही काम है, सिग्नेचर ब्रिज जो अभी आपको मैंने स्क्रीन पर दिखाया, और दूसरा ये जो रोड आप दिख रहे हैं। इस पूरी रोड पर नॉन स्टॉप एलिवेटेड बनाए गए हैं, जब भी आप किसी चौराहे से गुजरेंगे तो उसके ऊपर एलिवेटेड फ्लाईओवर बना दिए गए हैं, जस्ट लाइक गुड़गावा हाईवे। किसी भी चौराहे पर रुकना नहीं पड़ता, नॉन स्टॉप आप चलते चले जाइए। और ये देखिए बीच में ये लटकते हुए हैंगिंग क्रॉस ब्रिज बहुत ही जबरदस्त बनाए गए हैं। रेड लाइट हो गई है दोस्तों, रुकना जरूरी। रेड लाइट का पालन करें हमेशा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, हेयर वी गो।